नमस्कार, मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। आज बात करेंगे बच्चों में होने वाले बहरेपन और उससे होने वाली परेशानी की। वैसे बहरेपन का इलाज किसी भी उम्र में हो सकता है और आमतौर पर बच्चे पैदाइश के वक्त हुई अनदेखी की वजह से सुनने की क्षमता खो सकते हैं, लेकिन अब आप किसी भी उम्र में बहरेपन का इलाज करवा सकते हैं। अगर आप भी इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें शो में कॉल कीजिए और हिस्सा बनिए इस शो का। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर मीनाक्षी बढ़ेरा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनाक्षी आपका हमारे शो में। तो चलिए, अगर आप भी कोई समस्या जो कि हम आज चर्चा करने वाले हैं बहरेपन की, बच्चों के बहरेपन की, उससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सुनने की शक्ति में कमी को बहरापन कहते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। बढ़ती उम्र में बहरापन होना कान की हड्डी के बढ़ने से या फिर ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पर काम करने से हो सकता है, लेकिन सुनने की क्षमता में कमी पैदाइशी भी हो सकती है। इसीलिए सलाह है कि जन्म के फौरन बाद हर बच्चे की सुनने की क्षमता की जांच होनी चाहिए। वैसे कुछ अस्पताल बच्चे के पैदा होने पर ये टेस्ट करते हैं। ये जाँच बाहर भी कराई जा सकती है। बच्चे में बहरापन के कारण ईयर इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन, हाई फीवर। बच्चों में अगर जल्द ही यह पता चल जाए कि बच्चे की सुनने की क्षमता में कमी है तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 साल तक की उम्र ही सही है, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चे के सुनने, समझने और बोलने की क्षमता का पूरा विकास हो जाता है। 5 साल की उम्र के बाद सुनने की शक्ति के बढ़ाने के लिए ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपका बच्चा भी सुनने में असहज महसूस करता है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। तो चलिए, रिपोर्ट आपने देखी। अगर आप भी कोई जानकारी इससे जुड़ी चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर मीनाक्षी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बनी रहेंगी आधे घंटे तक। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर मीनाक्षी यही है कि बच्चों में बहरेपन की हम बात कर रहे हैं, इसके मेजर फैक्टर आप क्या मानती हैं, किस वजह से किसी बच्चे में बहरेपन की शिकायत हो सकती है? बच्चों में बहरेपन की शिकायत बहुत सारे कारणों से हो सकती है। कंजनाइटल हेयरिंग लॉस हो सकता है, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे हेयरिंग लॉस होता है, और जो कंजनाइटल हेयरिंग लॉस है उसमें हम उसके 2 तरह के फैक्टर्स मानते हैं। एक पैदा होने से पहले के फैक्टर्स, जिसमें मदर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी तरह की मदर को इन्फेक्शन हो, हाई फीवर हो, एनी काइंड ऑफ मीजल्स, मम्स, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब का, और स्ट्रेस ऑल्सो कैन यू नो कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयरिंग लॉस। एंड जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं उन जिनके कारण हेयरिंग लॉस देखा जा सकता है। और पैदा होने के बाद जब ड्यूरिंग डिलीवरी अगर किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा है, बर्थ ट्रॉमा है, या कोई भी डिस्कम्फर्ट है उस टाइम पे, तो उस कारण से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। पैदा होने के बाद अगर बच्चा जो है लो बर्थ वेट है या देर से रोया है, इन कारणों से भी हेयरिंग लॉस होता है। और उसके बाद अगर बच्चे को कोई ईयर इन्फेक्शन हो जाए, हाई फीवर जैसे मेनिनजाइटिस हो जाए, एनी वायरल इन्फेक्शंस, मम, मीजल, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, इन सब कारणों से हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, पहले कॉलर हमारे साथ गोदराज हैं उधमपुर से फोन लाइन पर। जी बताइए आपका सवाल। हाँ जी, जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। सवाल सर ये है कि मेरा दोता है जी, वो ना सुनता है और ना वो बोलता है। उम्र क्या है? उम्र 2 साल होगी सिर्फ। डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे? इसका कोई सुनाई की जांच हुई है आपकी? हाँ सर, इधर जम्मू में दिखाया था, उन्होंने बोला कि मशीन लगाना पड़ेगी। हाँ, अगर आप पहले बच्चे की सारी जांच होनी चाहिए, अगर उस जांच में ये निकल के आता है कि जो लॉस है वो 80% से कम है, तो सुनाई की हेयरिंग एड सबसे पहले लगानी पड़ेगी, जिसको हम हेयरिंग एड कहते हैं। और हेयरिंग एड्स भी बहुत तरह की होती हैं, बेसिक हेयरिंग एड्स होती हैं, डिजिटल हेयरिंग एड्स होती हैं। और हेयरिंग एड जो है लगाने के बाद, सिर्फ हेयरिंग एड लगाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है जिससे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। और अगर ये पूरे टेस्ट में और स्पीच थेरेपी के दौरान ये लगे कि हेयरिंग एड से बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर सर्जरी करके, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं,
उससे बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बच्चा आपका 2 साल का है तो आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे हैं, तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करेंगे उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बच्चे की जो भाषा का विकास है वो जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करें उसके हिसाब से होता है। बच्चों में आप बात कर रही है कि बॉर्डर लाइन, आपने बोला कि 2 साल है, कब तक? एक तो सबसे पहले बात ये कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा बहरेपन का शिकार है, क्या टेस्ट उसके लिए करवाए जा सकते हैं? सिर्फ देखने भर से मालूम नहीं हो सकता कि बच्चों को हेयरिंग लॉस है। कई पहले टाइम पे लोग ताली बजा के देखते थे या कुछ गिरा के देखते थे, उससे भी हमें पूरा तरह से अंदाजा नहीं हो सकता कि बच्चे को किसी तरीके की सुनने की दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ सुनाई की जांच से ही पता लग सकता है। एक हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको ओई कहते हैं, दैट इज अ बेसिक हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट विच कैन बी डन, इवन एक दिन के बच्चे में भी वो जांच की जा सकती है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ये जांच, अब शहरों में तो ये जांच अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो भी आप किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाकर ये जांच करा सकते हैं। अगर इस जांच में हमें पता लगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत है, इसको हम ये नहीं कहते कि बच्चे को सुनने की दिक्कत है, हम ये अगर स्क्रीनिंग टेस्ट रेफर हो जाए या फेल हो जाए तब हम ये कहते हैं कि बच्चे को आगे टेस्टिंग कराने की जरूरत है। और अगर इस टेस्ट के बाद हम कहते हैं ABR टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें हमें ये पता लग जाता है बच्चे को कितनी प्रॉब्लम है और उसके किस हिस्से में प्रॉब्लम है। पूरी जांच जो होती है जिसको बेरा टेस्ट कहते हैं, ASSR होता है, कान के पर्दे की जांच होती है, ये सब जांच होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक जांच से हमें पूरी चीज नहीं मालूम लग पाती है, हमें ये भी जानना है कि बच्चे को कान के किस हिस्से में प्रॉब्लम है और ये भी जानना है कि प्रॉब्लम कितनी है, और उसके बाद ही हम कोई इलाज सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के बहरेपन के कारण भी हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, और जैसे कि आपने भी बताया बॉर्डर लाइन, कब तक मतलब उम्र आप बताएंगे कि बच्चों की उम्र इतनी होनी चाहिए अगर उनको बहरेपन की शिकायत है तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और बहुत सारी रिसर्च के हिसाब से देखा गया है, 3 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चे का इलाज शुरू हो जाए तो रोकना चाहूंगी यहाँ पर। डॉक्टर मीनाक्षी, आपको ये कारण हम दिखा रहे हैं लगातार, और इसीलिए कि ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये जानकारी हो जाए कि वजहें क्या क्या होती है, किन कारणों के चलते एक बच्चे को बहरेपन की शिकायत हो सकती है। लेकिन आपको भी ये टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे जिससे कि ये पता लग सके कि बच्चे को बहरेपन की शिकायत है, और उसके बाद आपको जल्द से जल्द डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए, कि क्योंकि कुछ एज ग्रुप तक, जैसे कि आपने भी बताया, बच्चों के बहरेपन का जो इलाज है वो पूरी तरीके से संभव है। जी डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे मैंने अब बताया कि 3 महीने तक जांच हो जानी चाहिए, पूरी जांच और बच्चे का इलाज शुरू हो जाना चाहिए। 3 महीने में हम सबसे पहले हेयरिंग एड लगाकर ही बच्चे का इलाज करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो यूजुअली 8 महीने के बाद, बच्चे की जब एज 8 महीने की हो जाती है उसके बाद ही रिकमेंड किया जाता है। चाहे बच्चे को कितना भी हेयरिंग लॉस है तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो हेयरिंग एड ही होता है। और हम ये, और ये देखा गया कि अगर 1 साल से पहले पहले इलाज, बच्चे का स्पीच थेरेपी, हेयरिंग एड आदि लग जाए तो बच्चा जो है, जो हेयरिंग बच्चे हैं उनके जैसे डेवलप हो सकता है, उसकी जो भाषा की डेवलपमेंट है, उसका जो बाकी का विकास है वो हेयरिंग बच्चों के बराबर होता है। अगर 1 साल से देर होती है, हम कहते हैं अगर 2 साल के अंदर अंदर भी होता है तब हम इस गैप को भर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं परमानेंट डैमेज हो जाता है, और जिसकी, चाहे उसके बाद हम ट्रीटमेंट तो शुरू करें तो हम काफी हद तक मैच कर पाते हैं, पर पूरे नॉर्मल लेवल तक हेयरिंग बच्चों के बराबर नहीं कर पाते। एक कॉलर हमारे साथ परवेंद्र हैं यूपी से, इस वक्त फोन लाइन पर। जी परवेंद्र, बताइए क्या सवाल पूछना है आपको। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा था कि मेरा एक बेटा है 3.5 साल का है, उसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। अच्छा जी, तो मैं चाहता हूँ कि उसका बेस्ट से बेस्ट क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो जिससे कि कोई डिवाइस ना लगे, बिना डिवाइस के वो ठीक हो जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे कि उसको कोई आगे समस्या ना हो, फिर वो सही हो जाए, डेवलप हो जाए अच्छे से। आपने बताया कि आपका बच्चा 3 साल का है, और आपने पहले मशीन लगाई है इसको कई सुनाई की? हाँ, मैंने एक मशीन लगाई थी ओटिकॉन कंपनी की, जो BTE होती है ना, बिहाइंड द ईयर। हाँ जी, हाँ जी, वो लगवाई थी। हाँ, हाँ। तो उनसे कुछ विशेष मुझे वो लर्न डाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा डिवाइस के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है क्या? अगर बच्चे को
हमारे कान के तीन भाग होते हैं, बाहर का कान, भीतर का कान जिसको मिडल ईयर कहते हैं, और इनर ईयर जिसको कॉकलिया कहते हैं। कॉकलियर में जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तभी जो प्रोफाउंड लॉस जो होता है ज्यादातर केसेस में हम ये मानते हैं कि वो हेयर सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, जो कि किसी दवाई के इलाज से या किसी डॉक्टरी इलाज से नहीं सही हो सकते। तो एक ही इलाज है इनका कि अच्छे से अच्छी मशीन लगाई जाए। अगर मशीन से हमारा बच्चा कर पा रहा है, अगर हमें लगता है कि वो अगर आपको एक साल हो गया मशीन लगाए हुए और उस बच्चे की एक साल जितनी ग्रोथ हो गई है तो मशीन काम कर रही है, पर अगर उस एक साल में उसको लगता है कि वो उतना नहीं कवर कर पा रहा है तो फिर हमें आगे के इलाज के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जिकल ऑप्शन है, और पर उसमें भी बाहर से मशीन लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि इनविजिबल है कोई भी सोल्यूशन। तो हम ये कहें कि ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल ये नहीं है किसी भी डॉक्टरी इलाज से, किसी भी दवाई से, या कोई भी आप कई लोग बोलते हैं होम्योपैथी से, तो अभी तक इतने साल में हमने किसी पेशेंट को रिकवर होते हुए नहीं देखा है। एक ही इलाज है, मशीन लगाकर बच्चे की भाषा का विकास किया जाए, और अगर मशीन काम नहीं करती है तो फिर ऑपरेशन, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहता है क्योंकि इसमें आवाज़ बिल्कुल साफ पहुंचती है बच्चे के ब्रेन तक, तो उस जो है कॉकलियर इम्प्लांट ऑप्शन एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। पुनीत है दिल्ली से, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी पुनीत बताइए आपका सवाल। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हेयरिंग एड है, हाँ जी, वो किस एज ग्रुप में ठीक रहता है? हेयरिंग एड जो है, जितनी जल्दी हमें पता लगे हेयरिंग लॉस है उसी समय हमें हेयरिंग एड लगा देनी चाहिए। एज ग्रुप अगर हम कहें तो एक महीना, दो महीना, तीन महीने के बच्चों में भी हेयरिंग एड लगाई जा सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और इतनी अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेयरिंग एड्स हैं, जो छोटी भी हैं, लगाने में भी आसान रहती हैं बच्चों को। पहले, आज से 10 साल पहले तो इतने ऑप्शन नहीं होते थे और बड़ी हेयरिंग एड ही ऑप्शन होता था, लेकिन आज छोटी से छोटी हेयरिंग एड बच्चों के छोटे कानों में फिट की जा सकती है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो एज ग्रुप जो है, हम कहेंगे कि जितनी जल्दी पता लगे हेयरिंग लॉस है उसी समय से हेयरिंग एड लगाई जा सकती है। रचना है यूपी से, अगली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी रचना बताइए सवाल आपका। मेरी फ्रेंड का बेटा है 4 साल का। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरी बेटा है 4 साल का। हाँ जी। हाँ मैडम, उसको वो स्पीच थेरेपी भी करा रही है, हफ्ते में 2 या 3 बार जाती भी है, लेकिन वो सही से बोलना नहीं सीख पा रहा। उसका सुनाई की जांच हुई है? हाँ, वो सब उसने करा ली है, लेकिन वो बोलता नहीं है, गुस्से में सारी चीजें तोड़ता फोड़ता है। हाँ, तो उसको स्पीच थेरेपी के साथ साथ ऑफकोर्स उसकी हियरिंग एड चेक होनी चाहिए कि मशीन से उसको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार हम सिर्फ मशीन टांग के रखते हैं और मशीन से फायदा नहीं होता, इस कारण से भी बच्चे मशीन उतारने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि आवाज बहुत तेज आ रही है बच्चे को, जिसकी वजह से उसको इरिटेबिलिटी हो रही है, उसकी वजह से भी उसके लेवल के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी हियरिंग एड, या हो सकता है उसका जो कान में लगाने वाला मोल्ड होता है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा हियरिंग एड उतारने की कोशिश कर रहा है। और अगर इनमें से कोई भी कारण है तो पहले उस कारण का सुधार होना चाहिए, और फिर स्पीच थेरेपी जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो एक बार नहीं कि एक सेशन में, दो सेशन में ही ठीक हो जाएगा, इसको सालों साल लग सकते हैं, और रेगुलर स्पीच गाइडेंस आपको चाहिए, और उसको घर पे भी फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बेनिफिट है हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट हो, तो ये बेनिफिट इमीडिएटली नज़र नहीं आते हैं, हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं कम से कम बच्चे को, जो हम कम से कम बेनिफिट की बात करते हैं कि बच्चा अपने नाम को पहचाने और पहचान कर पलटे, तो ये सब चीज़ें जो है, और भाषा का आपकी बातों को समझ सके, तो उसको समय लगता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते बोलने नहीं लगता है, बात भी नहीं समझता है, हाँ आवाज़ों पर ध्यान ज़रूर दे पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब उसका ब्रेन उन आवाज़ों का मतलब लगाता है, तब वो जाके कुछ समझना शुरू करता है और फिर बोलना शुरू करता है। यही प्रोसेस हियरिंग लॉस के बच्चों को भी होता है। प्रिया है हमारे साथ मुंबई से, अगली दर्शक। जी प्रिया आपका सवाल। मैम मुझे पूछना था कि अगर हियरिंग एड काम नहीं करता है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसके लिए? अगर हियरिंग एड काम नहीं करता है और ये जाना और ये है कि उस बच्चे का जो लॉस है सिवियर प्रोफाउंड है, तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। ये बहुत इट इज़ अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, कॉकलियर इम्प्लांट सर्जिकल ऑप्शन है हियरिंग लॉस वाले बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। इसमें क्या होता है कि जो डैमेज हिस्सा है हमारे कान का, जो हेयर सेल हम डैमेज कहते हैं, उसको बाईपास करके डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे जो आवाज़ ब्रेन तक पहुंचती है वो साफ होती है, जिससे बच्चे को बात सुनने में और समझने में आसानी हो जाती है।
तो जिन बच्चों में हेयरिंग एड्स काम नहीं करती है उनमें हम कॉकलियर इम्प्लांट की ही सलाह देते हैं, और जितनी जल्दी ये किया जाए उतना ज़्यादा बेटर होता है। पर उससे पहले उसका एक सीटी स्कैन एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि इम्प्लांट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बच्चे में। छत्तीसगढ़ से अगले दर्शक दीपक है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी दीपक, आपका सवाल। छाती टूट के आस पास है और ये दिक्कत है कि लेफ्ट साइड वाले कान से मैं थोड़ा सा अभी अभी डेढ़ महीने से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। आपने बताया कि आपको कुछ महीने पहले से ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी पूरी जांच हो गई है, सुनाई की जांच हुई है? अभी तक तो नहीं कर रहा है मैडम। तो सबसे पहले अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपके आसपास जो भी हियरिंग सेंटर है या ENT स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए, वहाँ जाकर पहले कान की जांच करिए। हो सकता है कान में मैल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, मैल इन्फेक्शन जो जो आउटर ईयर या मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स हैं इनका इलाज तो डॉक्टरी इलाज से हो सकता है, मेडिसिन से या सर्जिकल ऑप्शन से हो जाता है, जो कि रिवर्स हो जाती हैं अगर प्रॉब्लम है तो। अगर इन इसमें प्रॉब्लम है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो सकेगा, पर पहले जाँच होना बहुत ज़रूरी है, बिना जाँच के कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। कॉक्यूलर इम्प्लांट की आप बात कर रही हैं, थोड़ा सक्सेस रेट के बारे में यहाँ पर जानना चाहेंगे, कितने सक्सेसफुल इसके ऑपरेशन रहे हैं? कॉक्यूलर इम्प्लांट काफ़ी सक्सेसफुल होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। जल्दी एज में अगर इम्प्लांट कराया जाए तो जो हेयरिंग लॉस वाले बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल में हेयरिंग बच्चों के साथ जाकर उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। आज की डेट में ऐसे बच्चे भी हैं, हमें इम्प्लांट करते हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं, तो ये जो बच्चों का इम्प्लांट हमने उस टाइम पे किया है, आज वो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस में जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जो भी चाहे वो पढ़ना चाहे वो पढ़ रहे हैं। जैसे एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो BCom रेगुलर कॉलेजेस, जर्नलिज्म, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सही समय पे इलाज, और जैसे कॉकलियर इम्प्लांट है इसका भी एज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और सक्सेस अगर कोई 6 इयर्स पे इम्प्लांट होता है तो वो बच्चे का बेनिफिट होता है, लेकिन लिमिटेड बेनिफिट होगा उसको, उतना अच्छे से बेनिफिट ऐसा तो नहीं है उसके बाद कहीं इन फ्यूचर दोबारा से इस तरीके की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ जाए। नहीं, कॉकलियर इम्प्लांट हम ये मान के चलते हैं जो इम्प्लांट होता है दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज हमने इम्प्लांट किया है तो ये है कि बच्चा उसे जिंदगी भर इस्तेमाल करेगा, चाहे वो हेयरिंग एड है या इम्प्लांट है। ये उन्हीं बच्चों में होता है क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है, तो जैसे चश्मा हमें पहनना ही पड़ता है ऐसे ही इम्प्लांट या हेयरिंग एड हमें पहन के ही रखना पड़ता है। और इसमें एक बार अगर इम्प्लांट हो जाता है और बच्चा जब करने लगता है तो बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है। बट इसका सक्सेस रेट हम जैसे बताते हैं या इनकी इसकी रिलायबिलिटी है तो ये 99.7% तक है। तो मतलब कि कोई हजार में कोई दो या तीन बच्चे हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम भी होती है तो दोबारा सर्जरी करके या दोबारा से इम्प्लांट लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस दौरान किसी तरीके के प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने पड़ते हो? कॉकलियर इम्प्लांट के बाद हमें ज़्यादातर कोई हम बच्चे को किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं है, कोई खाने पीने का प्रिकॉशन नहीं है, भाग दौड़ का कोई प्रिकॉशन नहीं है, बच्चे सब एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं। बट हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि डाइविंग हो गया, क्योंकि अंदर इम्प्लांट लगा है, सर में इम्प्लांट लगता है, तो उस एरिया को हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना होता है। तो कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि मैंने बताया डाइविंग हो गया, फुटबॉल हिटिंग विद द हेड, हाँ बच्चा इतनी जोर से नहीं गिरे कि कोई और इशू हो जाए, तो वो सब पैरामीटर्स इफेक्ट कर सकते हैं। पवन है इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी पवन, बताइए आपका सवाल। हेलो। जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है पवन। जी, मेरा सवाल ये है, मेरी बच्ची 2.5 साल की है, वो बोल नहीं पा रही। और आपने सुनाई कि मेरी बच्ची जो है 2.5 साल की है, वो बोल नहीं पा रही। देखिए, ना बोलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर आपने हियरिंग चेक करा ली है और हियरिंग नॉर्मल है तो आपको बाकी की चीजों की भी जांच करानी चाहिए, स्पीच असेसमेंट होनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि हियरिंग लॉस के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे बच्चा देर से बोलता है, तो ये सब चीजें चेक होनी चाहिए। बट अगर हियरिंग लॉस आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए।
हेयरिंग एड की भी बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग यूज करते हैं उसे, एक इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो उसका जो लाइफ है वो कितनी होती है यहाँ पर, या चेंज करना उसको कितने टाइम पीरियड बाद चाहिए? हाँ, जो हेयरिंग एड है, जैसे कहा कि बेसिक हेयरिंग एड से लेकर डिजिटल, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल हेयरिंग एड्स हैं, और इनको जो हम कहते हैं कि इनकी लाइफ कम से कम 5 साल होती है एडल्ट्स में, बच्चों में हर 3 साल के बाद हमें हेयरिंग एड बदल देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसकी आउटपुट कम होने लग जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे को हम कहते हैं कि सुनने में तकलीफ आने लगती है। इससे उस प्रॉब्लम को आने से पहले पहले हमें हेयरिंग एड बदल देनी चाहिए, और रेगुलर चेकअप बच्चे का होता रहना चाहिए, एडल्ट का भी रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए। और हम अभी तो बच्चों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एडल्ट्स में भी 91% एडल्ट पॉपुलेशन है जो हमारी हेयरिंग लॉस की पॉपुलेशन है, उनमें से 9% चिल्ड्रन है, मोर देन 90% एडल्ट्स हैं, और उनमें हर एक इंसान जिसको हेयरिंग लॉस है उनको हेयरिंग एड लगाई जा सकती है। तो 3 साल से 5 साल एक हम कहते हैं जिसमें हमें चेंज करते हैं। ओके, अथर है लखनऊ से अगले दर्शक हमारे साथ। जी अथर, आपका सवाल पूछे। अथर आपकी आवाज आ रही है हमें, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी, हाँ सवाल पूछे अपना। हाँ जी, अरे मुझे ये मैम पूछना था कि मेरी भांजी है जी 13 से 14 साल की है जी, और उसको बचपन से ये प्रॉब्लम है सुनने में। हाँ जी, तो हाँ जी, आपने उसको हेयरिंग एड लगवाई है जी? नहीं, उसने कुछ दिन लगाई थी, फिर लगाना छोड़ दी थी। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार तो देखिए पेरेंट्स को देर से पता लगता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बचपन में ही टेस्ट हो जाना चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया कि जो जब तक पता लगता है बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है, फिर जब हम हेयरिंग एड लगाते हैं तो या तो वो अच्छी डिजिटल हेयरिंग एड नहीं है जिसमें शोर कंट्रोल किया जा सके, तो हेयरिंग एड ऐसी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली नॉइज को कंट्रोल कर सके और बच्चे को लगाने में कम्फर्ट आ सके। अगर बच्चे को कम्फर्ट नहीं आ रहा है तो उसको टेस्ट करना है, ये नहीं कि आपने हेयरिंग एड लगवाई और क्योंकि बच्चा है हेयरिंग एड लगाने में उसको समय लगेगा, तो कुछ पहले उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। अगर आपके बच्चे ने हेयरिंग नहीं लगाई और आगे चल के जैसे अब आप बता रहे हैं कि 12-13 साल का बच्चा हो गया, तो अब इस स्टेज में भी मैं एक ही आपको सलाह दूंगी कि आप उसको जल्दी से जल्दी अच्छी हेयरिंग एड लगवाइए। हेयरिंग एड लगवाकर उसको घर पर प्रैक्टिस करवाइए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए, जो देखेंगे कि बच्चा हेयरिंग एड क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इस एज में अब कॉकलियर इम्प्लांट कराने से आपको बहुत कम बेनिफिट होगा। अनलेस आपका बच्चा हेयरिंग एड लगाता है, हेयरिंग एड लगाकर कुछ बोलता है, कुछ सुन पाता है, तब तो किसी भी एज में इम्प्लांट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चे ने अभी तक तो कुछ सुना ही नहीं है तो कॉकलियर इम्प्लांट भी उसका इलाज शायद नहीं कर पाएगा। Okay. रिया है मुंबई से अगले दर्शक हमारे साथ। जी रिया बताइए सवाल आपका। यस, एक्चुअली मेरा बेटा 8 साल का है एंड उसको लाइक ही स्टटर्स अ लॉट, वो हकलाता बहुत है, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क इज देयर एनी होम एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स दैट आई कैन बेसिकली लाइक यूज व्हाइल लाइक टॉकिंग टू हिम, उसको समझाने के लिए? देखिए अगर आपने स्पीच थेरेपी कराई है इसकी कहीं स्पीच थेरेपिस्ट के साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले उसका ले जाकर उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास इवैल्यूएशन कराइए। स्टैमलिंग, स्टटरिंग जिसको हम कहते हैं, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई ऑर्गेनिक रीजन भी हो सकता है जो कि यू नो उस जिसकी जाँच होनी बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक नहीं है, इफ इट इज ओनली फंक्शनल, तो स्टटरिंग का जो है कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे रीडिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, या यू नो रेट ऑफ स्पीच चेंज करना पड़ सकता है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको इवैल्यूएट करने के बाद ही हम एक्सरसाइजेज डिफाइन कर सकते हैं। हम आपको बिना बच्चे को देखे हुए कोई भी एक्सरसाइज बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वॉट एक्चुअली इज द इशू, रेट ऑफ स्पीच कितनी है, फैमिली में किसी और को तो नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए अगर उनके बच्चे को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो? अगर उनके बच्चे को हेयरिंग प्रॉब्लम है और डायग्नोज हो चुका है और अगर हमने डिवाइस लगा दिया, चाहे वो हेयरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट हो, तो हमें ये जानना है कि डिवाइस लगाना तो मात्र एक आपने एक फर्स्ट स्टेप लिया है। सेकेंड स्टेप है कि बच्चे को स्पीच थेरेपी कराइए। बच्चे को जो रेगुलर भाषा उसको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए वो नहीं सुन पा रहा है, तो उसको सिखाने के लिए एक एवीटी थेरेपी कहते हैं, जिसमें 2 साल से छोटे बच्चों को एवीटी थेरेपी के अंडर एक डेवलपमेंटल अप्रोच होती है ये। जिससे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, इट्स अ गाइडेंस प्रोग्राम, कि किस तरह से बच्चे के साथ घर पे आपको
बात करनी है, उसमें टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को लेके हम उनको डिफाइन करते हैं कि ओके ये हमारा एक मंथ का टारगेट है, इस पे हमें इसको इस तरह से, इसके साथ ये चीज़ों को इस तरह से बात करिए। फिर ये ज़रूर देखिए कि आपको बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हर जागते टाइम पे, आई वुड से ऑल वेकिंग आवर्स योर चाइल्ड शुड यूज़ दैट डिवाइस, चाहे वो हेयरिंग एड हो या इम्प्लांट हो। देन यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, मतलब उसको टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए। हमें कैसे मालूम लगेगा बच्चे को हेयरिंग एड लगा के बेनिफिट हो रहा है, तो इसके लिए भी टेस्ट होते हैं, हेयरिंग एड लगाकर टेस्ट किया जा सकता है, और जिसको फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री कहते हैं या फ्री फील्ड असेसमेंट कहते हैं। और ये टेस्ट जो है टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, क्योंकि हेयरिंग लॉस कितना रेगुलर विजिट यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट का करना चाहिए, हम कहते हैं 3 से 6 महीने के अंदर, छोटा बच्चा है तो 3 से 6 महीने में जरूर आपको टेस्ट कराना चाहिए, एडल्ट है तो भी इनिशियली 6 महीने और बाद में 1-1 साल पे आप टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि हेयरिंग लॉस एक जरूरी नहीं है कि स्टेबल रहे, आगे बढ़ भी सकता है। अगर हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है तो डिवाइस को उसके हिसाब से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, कॉक्लियर इम्प्लांट को भी सेट करना उसके हिसाब से बहुत जरूरी है, तो अकॉर्डिंगली असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलर विजिट उसके बाद भी डॉक्टर्स के करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीनाक्षी, आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइस दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार।